दोस्तों, अगर आप भी गोरा होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप पूरा देखें। गोरा होने के लिए आपने YouTube पर सर्च की होगी तो आपको YouTube पर बहुत सारी क्रीम मिली होंगी। तो दोस्तों, ऐसी एक क्रीम है जो आजकल YouTube पर सोशल मीडिया पर काफ़ी छा रही है। तो दोस्तों, आज की जो क्रीम मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने दोस्तों क्रीम तो देख ही ली होगी, मैंने थंबनेल पर लगा रखी है। इसका नाम है क्लोब जी क्रीम। तो दोस्तों, इस क्रीम के बारे में हम आपको ढंग से बताएंगे, तो आप देखते रहिए हमारी इस पूरी वीडियो को। क्या है इस क्रीम का सच, गोरा होने गोरेपन के लिए क्या इसका सच है? तो इसमें हम आपको पूरा सच बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको 100% श्योर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो देखें, और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, मैं आपको 100% और जो सच न्यूज है उसी के बारे में बताता हूँ, अदरवाइज़ कोई भी आपको गलत न्यूज नहीं देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबा लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें इस वीडियो के बारे में, जिससे दोस्तों क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या इस क्रीम की सच्चाई है उनको भी पता चल सके। तो दोस्तों, आप ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको क्रीम के बारे में मैंने नाम बता ही दिया, क्रीम का नाम है क्लोब जी क्रीम। तो दोस्तों, कुछ लोग और यूट्यूब वीडियो में बताते हैं कि ये क्रीम बहुत जल्दी गोरापन दे देती है, और दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स कमेंट भी करते हैं उनकी वीडियो के, सर इसका यूज कैसे करते हैं बताइए। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत हर्ट होता है जब मैं वीडियो देखता हूँ कि किसी गलत न्यूज़ दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस क्रीम के बारे में क्या यूज में आती है। तो दोस्तों, आपने इस पर डिब्बे, इसका बॉक्स जो है या क्रीम के ऊपर कभी लिखा देखा नहीं होगा कि ये कंपनी ने ना कभी कहा है कि ये क्रीम गोरेपन के लिए यूज की जाती है, और ना ही दोस्तों ये गोरेपन के लिए यूज है। दोस्तों, आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं इसका। दोस्तों, जो एक्चुअल यूज जो है वो आपकी बॉडी या आपके फेस माइनर इन्फेक्शन या आपकी स्किन पर सूजन आ रही हो उसके लिए यूजफुल है ये क्रीम। दोस्तों, इसके इनग्रेडिएंट 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 जो मैं आपके बारे में बता दूं, इनका जो क्लोबेटासोल टॉपिकल यूज में लिया गया है जो कि 0.05% है, मतलब इतना कम लिमिट में। और दोस्तों, इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है मेंटामाइसिन, जो कि दोस्तों 0.1% लिया गया है, और ये दोस्तों एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों, आपकी स्किन वर्टिका हो जाते हैं दोस्तों, आपके स्किन पर जो बैक्टीरिया हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए यूजफुल है। और दोस्तों, ये गोरापन के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर दोस्तों आप जैसे चेहरे पे यूज करते होंगे तो दोस्तों आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रीम को यूज करते हैं तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, इस क्रीम को बिल्कुल यूज मत करिए। लेकिन दोस्तों, आप इस पर आप देखते होंगे साइड इफ़ेक्ट, पहला तो यही हुआ है कि आपके रंग को जो परिवर्तित कर देता है। लेकिन दोस्तों, आप सोचते हैं कि हम गोरे हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये गोरेपन के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप यूज करते हो तो मेरी राय मानिए, बिल्कुल दोस्तों इसे यूज मत कीजिए। मैं दोस्तों आपको 101% सच्ची खबर दे बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप इसे मेरी माने तो दोस्तों आप इसे यूज मत कीजिए, बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। लेकिन दोस्तों, जो यूट्यूब वीडियो आप बताते हैं कि ये गोरेपन के लिए, दोस्तों उनकी बातों में बिल्कुल मानती है, बिल्कुल गोरेपन के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आज की यहीं तक वीडियो थी। तो दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया कि किस काम यूज आती है। दोस्तों, ये मैं आपको दोबारा बता दूं दोस्तों, बॉडी और आपके फेस माइनर इन्फेक्शन है, आपकी स्किन पर सूजन में आती हो उसके लिए यूजफुल है। तो दोस्तों, ये एक गोरेपन के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो दोस्तों,
इसे आप यूज ना करें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। दोस्तों अगर आप अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, अपने फ्रेंडों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने मीठे मीठे और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप मुझे बता सकते हैं लिख के। दोस्तों अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताएं और मैं आपको उसका जवाब तुरंत ही अच्छे से दूंगा।